নমস্কাৰ আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ বিহু বহুত ধুনীয়াকৈ গৈছে চাগে আপোনাৰ, আৰু মোৰো বাৰু ঠিক ঠাক গৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু গৰমো পৰিছে বাৰু এবাৰ বিহুত। তো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বিহুটো খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰক আৰু ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰক, নাচক গাওক, বা মানে ফুল বিহুটো মনাব লাগে ন। তো ময়ো বাৰু যি পাওঁ যেনেকৈ পাৰোঁ মনাইছোঁ। সো সবসে পেলে মেরে সবই ইন্ডিয়া বালক তহে দিল সে প্রণাম। আপ কেসে হো? আপ সবই লোক মে উমিদ করতে আপ সবই লোক ঠিক হোগা আর মে ভি ঠিক ঠাক হো। আর আজ ফির সে এক নয়া ব্লক, এক নয়া জায়গা জানে বালো। লাস্ট টাইম টুটিং আনে কে বাদ তো আবি আসাম মে বিহু হো রে, ইসলিয়ে ঘর মে হো। আজ মে এক নয়া জো কবি গয়া নেই, লেকিন হমেশা সুনা থা উস লোকেশন কা নাম, লেকিন কবি জাকে তো নেই দেখা, লেকিন আজ মুঝে মৌকা মিলনে হে জানে কে লিয়ে মৌকা মিল রে। আর কিস লিয়ে যা রা হো, কিয়া কাম করনে কে লিয়ে যা রা, আপকো পুরি আপডেট মিলেগা। লেকিন ভিডিও কা মেরে সাথ বনে রেহনা হ্যা, জানা নেই এন্ড তক দেখনা হ্যা। আর ওহা যাকে কিয়া করনে বালা, বহুত ইন্টারেস্টিং হোগা, বস দেখনা হ্যা ভিডিও কো, জানা নেই। তো বাপস আ রে, চলো। फाइनली घर से सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश हवा, फिर से वही पहाड़ का नज़ारा देखने के लिए फिर से नया मंजिल, नया जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा एक में परमिट का प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग को पता नहीं था यहाँ पे परमिट निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं इतना अरुणाचल स्टेट में घुमा हूँ, पासीघाट से लेके वहाँ तक जितना हो सके घूम रहा हूँ ना, इधर से उधर ट्रैवलिंग कर रहा है। लेकिन क्योंकि किसी में परमिट नहीं बनाया था, परमिट जो पास बनाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमें बिना पास से एंट्री नहीं दे रहे, क्योंकि ऑफिस खुलने के लिए 9-10 बजे टाइम है, लेकिन इतना टाइम है, उतना टाइम से हम लोग का तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस करके देखते हैं, अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाने के लिए, बाकी भगवान जाने। तो चलिए बात करके देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। बसार आ रहा है, बसर किस लिए आया है आपको बाद में मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का आने का रीज़न क्या है। सुबह सुबह घर से आ गया था, लेकिन कुछ भी खाया भी नहीं था, अभी यहाँ से थोड़ा पहुँचा, लेकिन हालत है। उसके बाद आपको सब डिस्कस करते हैं किस लिए बसार आया हो और क्या काम है बसार में बेटा। एक्चुअली तो धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा, लेकिन वीडियो को देखना आप लोग, पहले पराठा को खा लेते हैं, ठीक है। तो यही है बसार टाउन, फर्स्ट टाइम आया हूँ बसर, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। लिखावली से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ भैया लोगों से बात पूछा था जो पराठा खा रहा था, उस होटल में बातचीत करके पूछ रहा था कि यहाँ का नेटवर्क कौन सा नेटवर्क ज़्यादा चलता है। वो अगर नेटवर्क बोल रहे आपका, ये मेरा तो जियो है, आपको पता है जियो नेटवर्क खूब कम चलता है बोले, और यहाँ पर ज़्यादा एयरटेल एंड वोडाफोन सिम ज़्यादा यूज़ होता है, तो दिक्कत होगा मेरा हो, क्योंकि ये जियो नहीं चलने से मेरा नेट नहीं चला पाऊंगी। देखते हैं क्या होता है बाद में। और यही है बसार टाउन, थोड़ा अंदर जब मैं एंट्री किया था तभी मैंने वीडियो थोड़ा सा लिया है आपको टाउन को दिखाने के लिए, तो दिखाई के बाद में बसार टाउन को भी आपको। और अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो गया और उसका बाद चलते हैं हम लोग का जो उस काम के लिए आया था, है कि नहीं। बाकी लोग तो खा रहे, उसका ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मेरा गाड़ी का सामान को दिखाना है भाई, आ गया ना, आ गया आ गया आ गया। मेरा गाड़ी का सामान देखो, मेरा सामान तमान पूरा उधर उधर है। सो होटल में ब्रेकफास्ट करके अभी है किस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था, और दिखाना भी है मेरा नया जगह और एक नया लोकेशन में आया हूँ, बड़े एक्साइटिंग था। पहले घर में सोच के आया था क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ आके थोड़ा सा सुकून मिला है देखकर। देखते हैं यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, और
भाई जो भी अंदर दिखाऊं कि मेरा रूम को जो दिया गया था और यहाँ का क्लासरूम भी बहुत सुंदर है और क्या काम है उसको खत्म कर लेते उसके बाद मेरा रूम भी आपको दिखाएगा और ऊपर से यहाँ क्या कर रहा हूँ क्या करने के लिए आया हूँ सब मालूम हो जाएगा बस वेट करो। तो फाइनली बासर पहुँच के देखिए नया नया घर और ये मेरा बेड और सीधा देखिए तो किचन और ये कपड़ा रखने के लिए अलमारी दिया गया है और इस तरफ स्टेट देखने से मेरा बाथरूम है अटेस्टेड है और ये साइड वाला जो डोर देख रहे हैं ना ये दरवाजा साइड वाला यहाँ मेरा क्लासरूम है उसको आपको बाद में दिखाया दिया जाएगा। और किस लिए मैं बाहर आया हूँ क्या क्लास देने के लिए आया सब मालूम हो जाएगा धीरे धीरे आपको बाद में आपको आराम से बताएगा। लेकिन पहले मेरे रूम को क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद मेरा सामान तमान रख लेते हैं उसके बाद आराम से बैठ के हम लोग बात करेंगे ना ये। और बाहर साइड का ऐसा है गार्डन सार्डन भी है छोटा छोटा ये है बाहर और आसपास पूरा मार्केट भी है। अंदर जाके मेरा क्लासरूम को दिखा देते हैं आपको और ये है क्लासरूम मेरा म्यूजिक क्लासरूम टैंग ये है आने से मेरा रूम मिलेगा मेरा दोस्त लोग आ गया साइड इस साइड जाने से मेरा रूम मिलेगा ये रूम घर आने ली सर ध्यान थोबले ध्यान हरामखोर ये है। तो अभी ध्यान क्या लाया बाजार से क्या क्या मिला बस नया रूम में खाना खाने के लिए आधा प्रयास लाया है और ये गावरी मिल गया बोले अभी खाना बना रहा हूँ तो बढ़िया से तो ये भी खाना हो गया जल्दी जल्दी खाना खाओ भाई लोग बढ़िया से रूम तो क्लीन करी साफा करी हो गल और बहुत गरम और रूम को थोड़ा सा गंदा था थोड़ा क्लीन कर लिया है तो अभी फिलहाल रूम जैसा लग रहा है और साफ चिकन करके खाना भी खा लिया मेरा दोस्त लोगों के साथ और थोड़ा नहा भी लिया फ्रेश हो लिया। लेकिन यहाँ पे आज करेंट नहीं है बोले तो करेंट ऐसे 4:30 में आएगा बोले बहुत गर्म है कोई बात नहीं है। तो फिर भी मेरा जो काम था रूम का साफ सुथरा करके अभी अकेले बैठा हूँ थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है नए जगह पे अकेले अकेले रहने के लिए अच्छा भी नहीं लग रहा है उपाय नहीं रहना तो पड़ेगा ही मुझे जैसे भी हो। तो जो भी हो इतना तक मेरा वीडियो बसर आने का रीज़न यही था मेरा यहाँ पे नया जॉब ज्वाइन किया है तो आज से मेरा नया जॉब स्टार्ट होगा तो इसलिए आया था बसर एक साल के लिए तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था एक साल के लिए एक साल में मुझे बसर में ही रहना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल लास्ट टाइम आप लोगों को मालूम था मैं पासीघाट में था अभी फिलहाल मैं पासीघाट में नहीं हूँ अभी फिलहाल तो देखते हैं। और इतना ही था मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो बोले आशा थकिल सो धन्यवाद बाय बाय।